वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं नूरी टेलीकॉम। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अपना चैनल सर्च में कैसे आएगा। इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया तो आपका चैनल भी सर्च में आने लगेगा। तो इसके सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने चैनल का नाम यूनिक सा रखें, यानी एकदम नया नाम रखें। उस नाम का कोई चैनल आपका, मतलब किसी का चैनल नहीं होना चाहिए, ना कोई वीडियो होना चाहिए, ना कोई चैनल होना चाहिए, ना कोई टीवी सीरियल वगैरह होना चाहिए। कुछ नया नाम रखिए। जैसे कि जब भी आप अपने चैनल का नाम रखने लगे तो आप यूट्यूब पे पहले सर्च करके देख लीजिए कि आपके उस नाम से कोई चैनल है तो नहीं। आप फिल्टर करके देख लीजिए, जैसे कोई आपको नाम रखना है, जैसे अंसारी टेक, देखिए अंसारी टेक यहाँ पर आप लिखिए अंसारी टेक, आपको नाम रखना है टेक्निकल, अंसारी टेक्निकल, आप यहाँ पर सर्च कीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अंसारी टेक्निकल यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर आप फिल्टर करके देख लीजिए इस नाम से कितने चैनल्स हैं। यहाँ पर ऑल कर चैनल्स पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई कीजिए। देखिए अंसारी टेक्निकल, देखो कितना चैनल है। तो इस तरह से जब भी आप अपना चैनल बनाने लगे तो इस तरह से आप यूट्यूब में आके पहले देख लें कि इस नाम से कितने चैनल्स चल रहे हैं। तो आप अपना नाम कुछ हट के रखें, जैसे हमारे चैनल का नाम नूरी टेलीकॉम है, देखिए नूरी टेलीकॉम है और ये सबसे हटके है, ऐसा किसी का नाम नहीं है। तो हमारा चैनल जो है सबसे ऊपर ही आता है। देखिए जैसे हम सर्च करेंगे, ये हमारा चैनल सबसे ऊपर आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमारा चैनल नाम बिल्कुल नया है, यूनिक है। तो इस तरह से आपको भी नया नाम रखना है। दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि आप जब तक अपनी वीडियो में 8-10 वीडियो जब अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। जब तक आपकी वीडियो पे कोई वीडियो ही नहीं रहेगा तो आपका चैनल सर्च पे नहीं आएगा। अगर नया है तो बिल्कुल आने लगेगा, अगर नया नहीं है आप 2-4 वीडियो डाल देंगे तब आपका सर्च में आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि आप अपने चैनल का जो है टैग्स लगाइए। जिस तरह वीडियो के टैग्स होते हैं उस तरह चैनल का भी टैग्स होता है। तो वो कैसे लगाएंगे इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। हम अपना क्रोम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेना है। डेस्कटॉप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, ये मोबाइल ये चैनल का जो सेटिंग है यहाँ कोने में, हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है चैनल का, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पहले अपना कंट्री चूज़ करना है इंडिया, उसके बाद में आप अपना यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। कीवर्ड्स आप यहाँ पर कीवर्ड्स लगा सकते हैं 500 वर्ड्स तक, तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आपका चैनल जिस कैटेगरी का हो, आपका व्लॉग है तो आप व्लॉग के हिसाब से कीवर्ड डालिए, अगर आपका टेक्स्ट से है तो आप टेक्स्ट से रिलेटेड डालिए, जैसा मैंने डाल रखा है। जैसा मेरा टेक्स्ट से है तो मैंने देखिए इब्राहिम टेक, यूट्यूब टेक, व्हाट्सअप, फेसबुक टेक, है ना, नूरी टेलीकॉम, टेलीकॉम नूरी, नूरी टेलीकॉम टेक्निकल, नूरी टेलीकॉम, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। जब यहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका चैनल जो है सर्च में आने लगेगा। उसके बाद में आप यहाँ से इसको सेव कर दीजिए, देखिए यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप सेव करके अपने ये चैनल पर टैग्स लगाएंगे तो आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें।